हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन माई सेल्फ जितेंद्र सिंह जीतू सर योर इंग्लिश टीचर तो गैस अभी तक हम फ्रेजेज और क्लॉजेज के बारे में पढ़ रहे थे तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में अब हम एडवर क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं ए डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस एज एन एडवर इन सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर क्लॉज यानी एक ऐसा डिपेंडेंट क्लॉज जो किसी सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है हम उसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं एन एडवर्ब क्लॉज लाइक एन एडवर्ब मोडिफाइज वर्ब एडजेक्टिव क्लॉज और अदर एडवर्ब क्लॉज इन अ सेंटेंस इट मोडिफाइज सिचुएशन इन द मेन क्लॉज इन टर्म्स ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी, कॉज एंड इफेक्ट कंट्रेस्ट कंडीशन एंड प्लेस यानी टाइम फ्रीक्वेंसी, क्लॉज इफेक्ट कंटेंट्स के बारे में बताया जाता है सबॉर्डिनेट कंजक्शंस यूज फॉर एडवर्ब क्लॉजेस यानी जिस सेंटेंस में टाइम दिया जा रहा हो उस सेंटेंस में वैन वेन एवर सिंस अंटिल बिफोर आफ्टर वाइल एज बाई द टाइम एस सुन एस का यूज़ किया जाता है कॉज एंड इफ़ेक्ट दिया जा रहा हो तो उस सेंटेंस में बिकॉज सिंस नाउ दैट एज लॉन्ग एज सो सो दैट का यूज़ किया जाता है और यदि जिस सेंटेंस में कंट्रास्ट यानी विरोध किया जा रहा हो देन आल दो इवन वेयर एज वाइल दो का यूज़ होता है कंडीशन वाले सेंटेंस में इफ़ अनलेस ओनली इफ वेदर और नॉट इवन इफ़ प्रोवाइडेड दैट का यूज़ होता है प्लेस वाले सेंटेंस में वेयर where या वेयर एवर का यूज़ किया जाता है कैस अभी तक हमने फ्रेस फ्रेस की डेफिनेशन फ्रेस के टाइप्स क्लॉज क्लॉज की डेफिनेशन क्लॉज के टाइप्स के बारे में पढ़ा अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज यानी कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिनमें हमें एडवर्ब या एडजेक्टिव फ्रेज को अंडरलाइन करना है जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस है दे एंकर्ड देर फिशिंग बोट्स अबाउट ए माइल ऑफ सुअर तो गाइज यहां पर दिया हुआ है अबाउट ए माइल ऑफ सुअर अबाउट ए माइल ऑफ सुअर यहां पर अबाउट ए माइल ऑफ सुअर ये एक फ्रेज है क्या है दा? फ्रेज। ये फ्रेश क्यों है क्योंकि यहाँ पर ये क्वालिटी बता रहा है दे एंकर देयर फिशिंग बोट्स अबाउट ए माइल ऑफ शोर यानी उन्होंने अपने जहाज़ को खड़ा कर दिया एक मील दूर तो यहाँ पर प्लेस बताया जा रहा है और जहाँ पर प्लेस बताया जाता है वहाँ पर हम एडबर क्लॉस का यूज़ करते हैं ओके गाइज आई सो दीप रनिंग द फैंस मैंने एक भीड़ देखी रनिंगोंग द फेंस दीवार के सहारे सहारे दौड़ती हुई तो गाइज यहाँ पर रनिंग अलॉन्ग द फैंस एक फ्रेज दिया हुआ है रनिंग अलॉन्ग द फैंस ये कौन सा फ्रेज है गाइज तो आपको पता है यहाँ पर आई सो दीप मैंने भेड़ को देखा कहाँ पर देखा रनिंग अलोंग द फेंस ये एडवर्ब फ्रेज है गाइस क्योंकि यहाँ पर भी प्लेस बताया जा रहा है ओके नेक्स्ट हर रिंग विद रबीस इज वेरी एक्सपेंसिव हर रिंग विद रबीस इज वेरी एक्सपेंसिव तो यहाँ पर गाइस दिया हुआ है विद रवीस यह एक फ्रेज है और ये एडवर्ब फ्रेज है सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये रिंग की क्वालिटी बता रहा है ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स विद एम्बिशन यहां पर यह फ्रेज है स्टूडेंट्स विद एम्बिशन क्योंकि ये आर से पहले आया हुआ है यानी बर्ब की क्वालिटी बता रहा है लेडर नाउन फ्रेस है जो कि प्रेडिकेट का, का काम कर रहा है ओके गाइस नेक्स्ट डिटरमाइन वेदर द क्लार्ड फ्रेस इज अ जीरन फ्रेस और अ पार्टिसिबल फ्रेस यानी कलर्ड में कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं जिनमें आपको ये बताना है कि ये जीरन फ्रेज है या पार्टिसिपल फ्रेज है तो गैज़ मैंने आपको बताया था कि जीरन फ्रेज आईएनजी एन लगा करके के बनता है और वह सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का, का काम करता है लेकिन पार्टिसिपल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का, का काम नहीं करता तो देखते हैं ट्राइंग टू बी सेफ अगर यहाँ पर ट्राइंग टू बी सेफ के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होती तब हम इसे जीरन कहते जीरन फ्रेस लेकिन यहाँ पर ट्राइंग टू बी सेफ के बाद में कोई हेल्पिंग या मेन वर्ब नहीं है तब हम इसे पार्टिसिपल फ्रेश कहेंगे ओके okay गाइस तो फर्स्ट वाले में पार्टिसिपल फ्रेस है हैविंग टू वेट एट द बस स्टॉप हैविंग टू वेट एट द बस स्टॉप के बाद में भी गाइस कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब नहीं है तो ये भी जीरण हुआ सॉरी गाइस ये जीरण नहीं हुआ क्या हुआ पार्टिसिपल क्योंकि जीरण के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वरीड द बैड वेदर वरीड बाय द बैड वेदर यानी बैड वेदर से बरी होकर के बरी मीन्स दुखी होकर के चिंतित होकर के यहाँ पर भी वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है तो इसे भी हम कहेंगे पार्टिसिपल सी इन्जॉय सिटिंग इन द लॉन इन द इवनिंग गाइज ये जी है क्योंकि यहाँ पर सिटिंग आई एन जी लगा हुआ है और उससे पहले वर्ब का यूज़ हुआ है टॉकिंग विद मी ये पार्टिसिपल फ्रेज है गाइज द सबॉर्डिनेट क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर कलर्ड राइट अंगेस्ट ई सेंटेंस द काइंड ऑफ क्लॉज हमें जो कलर्ड पार्ट है उसका काइंड बताना है कि वो किस प्रकार का क्लॉज है द लाइक आई लाइक द गिफ्ट विच यू गेव मी मुझे पसंद है वह गिफ्ट जो आपने मुझे दिया था तो ये किसी गिफ्ट के बारे में बता रहा है यानी नाउन के बारे में बता रहा है और जब नाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड होते हैं उन्हें कहते हैं हम एडजेक्टिव फ्रेस विच यू गेव मी क्या है एडजेक्टिव फ्रेस ओके गाइस एडजेक्टिव क्लॉज सॉरी फ्रेस नहीं है क्लॉज है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब दोनों दिए हुए हैं ही केम आफ्टर आई हैड ये है गाइस नाउन क्लॉज क्योंकि केम वर्ब के बाद आया हुआ है यानी ऑब्जेक्ट का, का काम कर रहा है नेक्स्ट आई कुड नॉट वर्क एस आई वॉज इल यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज है गाइस क्योंकि ये रीज़न बता रहा है वर्क क्यों नहीं कर सका आई वॉज इल ओके तो ये एडवर्ब क्लॉज है द फोर्ट विच इज़ इन आगरा तो ये फोर्ट की क्वालिटी बता रहा है यानी कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है ओके गाइस इट इज़ नॉट प्रूव्ड दैट ही वॉज गिल्टी तो ये किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है यानी कि ये एडजेक्टिव का सॉरी प्रेडिकेट का, का काम कर रहा है तो ये नाउन फ्रेज नाउन क्लॉज हुआ ओके गाइस दैट वाज द कंप्लीट टॉपिक चैप्टर थर्ड फ्रेजेस एंड क्लॉजेस थैंक यू गाइस